चलिए दोस्तों, आज हम शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग दी आप लोग को। चलिए तो पहले 5 केजी का लगाएंगे, इसे हम लेंगे 20 रैप, 5 केजी का 20। इसके बाद 7.5 लगाएंगे 18, 10 लगाएंगे 16, 3 सेट लेंगे दोस्तों। जितना आपको देखिए, हम अपना सब वर्कआउट करने से पहले हमने तो केले का सेवन किया, एक्सरसाइज के बाद हम 100 ग्राम पनीर खाएंगे। उसके बाद चलिए अगला सेट 10 केजी लगाएंगे, तीसरा सेट 30, इसे हम स्लो रैप रहेंगे। इसके बाद हम अब एक साइड का आया, फिर इसके बाद पीछे साइज कटेंगे बैक साइड का, 7.5 का लगाएंगे, इसे हम लेंगे 20 रैप, इसे 2 बार मारेंगे। इसके बाद 10 लगाएंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे और अच्छी तरह प्रेस करेंगे। यानी आपको जो है कंधे से ऊपर रहना चाहिए, नीचे ना नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 10 केजी लगाएंगे के बाद इसे हम लेंगे 18 रैप। धीरे धीरे इसको पोस्ट करेंगे। एल को हमेशा आपको सीधा रहना चाहिए, जितना पाएंगे आपको गर्दन से ऊपर ही सा लाना है, आगे नहीं लाना है। यहाँ 5 और बढ़ाएंगे, 30 केजी का हो गया, ये लेंगे हम 12 रैप। जी हाँ, 12 रैप लेंगे, धीरे धीरे उसको करेंगे। और वर्कआउट आपको अगर बेसी मार रहे हैं तो 50 एक्स्ट्रा भी 4 रैप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जोर नहीं पाप करें। जो आपको एक्सरसाइज हार्ड हो, आप उस पर मतलब आप थ्रस्ट मारना चाहते हैं तो उस पर 5 और बढ़ा दीजिए एक्स्ट्रा, तो ही आपका वर्कआउट जो मसल बनेगा धीरे धीरे। चलिए तो डंबल से अब करेंगे, पहले 5 केजी से क्या मारेंगे 20 रैप। इसके बाद 7.5 लेंगे, उसको 18 मारेंगे, 10 का 12 16 रैप लेंगे, 7.5 का होगा, ये भी आप मारेंगे 18 रैप, 10 का लेंगे। इसके बाद 10 का मारेंगे, उसे लेंगे हम 16 रैप। जी हाँ, चलिए तो आपको ये देखिए बहुत बढ़िया इसके शोल्डर का एक्सरसाइज है। ये आपको ये तो शोल्डर के साथ साथ कटिंग भी आता है, इसका जो बाएँ होता है बाएँ का वो आपको अच्छी तरह आएगा धीरे धीरे, जितना आपको प्रो करें। चलिए तो अगला सेट लेंगे आप 10 केजी का, इसे हम 16 रैप लेंगे, धीरे धीरे पुश करेंगे। यलगो को आपको कंधे से हल्का सा सीधा बाहर रहना चाहिए, शोल्डर आपको प्रभाव पड़े धीरे धीरे। देखिए कितना मैं कहाँ जा रही है, देखिए शोल्डर का जो कटिंग है धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए अगला सेट ये 2.5 केजी से मारेंगे, शोल्डर को जितना खींचेंगे उतना ही आपको आएगा। ये आपको एक्सरसाइज हफ्ते में 2 बार मारना चाहिए, क्योंकि इससे जो शोल्डर का जो कटिंग है या तो वो धीरे धीरे निकलता रहता है। चलिए 5 केजी का इसके बाद बढ़ाएंगे, इसे लेंगे 20 रैप। शोल्डर आपको खींचना है, साथ में आपको जो पाया का देखिए कैसे पाया का जो कटिंग आता है ये आपको धीरे धीरे निकलता रहेगा, धीरे धीरे कटिंग के साथ साथ बढ़ता रहता है। वर्कआउट आपको डेली करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मसल बनाना है तो दोस्तों वर्कआउट प्रतिदिन आप आधे घंटे मार चाहे घंटे मारें 40 मिनट वर्कआउट ना करना हो, हफ्ते में 1 दिन मसल को रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 7.5 का लगाएंगे, इसके बाद उठाने में। चलिए तो अगला सेट इसे आप लेंगे भी 3 सेट, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बढ़ता रहेगा। जितना आपको अधिक है दोस्तों उतना लीजिए, ये नहीं कि आप ना लें, बढ़ाते रहिए मारते रहिए, कुछ करते रहिए। वर्कआउट के बाद आप डिप्स और हल्का हल्का आज यहाँ शोल्डर के बाद आप पाई से भी मार सकते हैं थोड़ा सा। चलिए तो अगला सेट 7.5 का धीरे धीरे आएगा। आपको वही जो शोल्डर है आपको जो पाँ के सीधा ऊपर नहीं आया, नीचे रहना चाहिए और सटे ना, हल्का से 4 इंच ऊपर ही रहना चाहिए। धीरे धीरे लाइए और उसको प्रेस कीजिए, बाँ को हमेशा खींचते रहिए शोल्डर को, तो ये आपको प्रभाव देगा। चलिए अगला सेट 10 केजी का लगा के मारेंगे। चलिए तो अगला हम जो बैक साइड का केबल से लेंगे,
शोल्डर का कटिंग, इससे आपको बहुत बढ़िया कटिंग आता है। इससे शोल्डर साथ साथ बैक भी कटिंग आता है। शोल्डर देखिए कैसा है, ये आपको 20 रैप लेना है। इसे भी हम तीन सेट लेंगे, 20, 18, 16, 12 का, ठीक है दोस्तों, बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला सेट लेंगे, ऐसे हम लेके 18 रैप, बढ़ाते रहिए और मारते रहिएगा, धीरे धीरे उसको परवाह करना है। जितना आपको खींचनेंगे उतना आपका शोल्डर का कटिंग दिखेगा दोस्तों। कटिंग जो है बहुत ही बेजोड़ है। इसके साथ साथ जब जो आपका जो कंधे का जो दाया हाथ है वो आपको धीरे धीरे पर कटिंग आएगा, साथ में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका आता है। 3 सेट या 4 सेट आप भी मार सकते हैं, आपके ऊपर है कितना मार सकते हैं, जितना आप मारेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। चलिए तो अगला सेट, इसे भी आप 3 सेट लेना है, 20, 18, 16 का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 3 सेट इसको मारना है, बहुत बढ़िया इसका जो आपको जो शोल्डर का जो कटिंग है वो आपको बहुत बढ़िया निकलता है इससे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला लास्ट में आपको 12 केजी से ये आपको प्रतिदिन मारना है, लास्ट में शोल्डर में वो हम ये मारना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये शोल्डर के साथ साथ कॉलर भी को भी प्रभाव पड़ता है। कॉलर अगर आपको दिखना है तो आपको ये मारना ज़रूरी है। इसके बाद 12 केजी का मारेंगे 2 सेट, उसके बाद 25 केजी से मारेंगे, यहाँ 25 केजी से इससे लेंगे 20 रैप, धीरे धीरे इसको पोज करेंगे। येलगो आपको येलगो घूमना, उसको टेढ़ करना नहीं है, सीधा रहेगा, आपको मुड़ना नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे करेंगे। चलिए दूसरा रैप लेंगे 25 केजी का, लास्ट है। इसके बाद आपको शोल्डर का पुशअप मारना है रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।